राधे राधे, मैंगो! वाह, मैंगो आया है और वो भी हमारे घर। वही मैंगो जैसी चीज तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाता है, और वो भी इस सीजन का मैंगो, और इतना मीठा वाला मैंगो, और कुछ चीज नहीं बनाई तो क्या मतलब यार इस मैंगो का। तो बस आज मैं कुछ ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास मैंगो है, आम। आम का वजन पूरा आधी किलो यानी 500 ग्राम है। आप इस जगह दो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर तो बहुत बड़े वाले आम आए थे, तो आज सोचा कुछ अच्छा सा हटके बनाती हूँ, गर्मी भी पड़ रही है। तो बस इस आम को मैंने छील लिया है और इसको ना मिक्सर ग्राइंडर में रख के सब पीस लिया है। इसका एकदम फ्लफी पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो ये मैंने बहुत अच्छा सा पीस लिया है और बहुत अच्छा पीसा है। अब इसमें डालूंगी मैं, ये मेरे पास है ना, 1 कप सूजी है। सूजी मोटी पतली जैसी भी हो चलेगी। अब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब शक्कर। आप खड़ी शक्कर डालें, पिसी भी डालें, जैसी भी डालो आप डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा मिठास और आ जाए, क्योंकि आम तो खुद में ही इतना मीठा है इसलिए। और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। ये मेरे पास है ना गेहूं का आटा है, जो रोटियां बनाते हैं नॉर्मल, बस वही है। तो 2 चम्मच इसमें हमने गेहूं का आटा ऐड किया है। आप इस जगह ना मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट मैं तो सजेस्ट करूंगी गेहूं का आटा ही सबसे अच्छा रहेगा। उसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब दूसरा प्रोसीजर क्या करती है, ये मैंने पैन चढ़ाया, उसमें हमने डाल दिया है 1 लीटर दूध। क्या डाला है? 1 लीटर दूध। 1 किलो दूध जो इसमें हमने लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, 4 चम्मच के करीब जो नारियल का बुरादा आता है, बस ये हमने वही इसमें ऐड किया है। इससे क्या बहुत अच्छी सी इसकी रबड़ी बनने वाली है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी शक्कर और, क्योंकि रबड़ी थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है। तो आप देख पा रहे हो इसको ना हल्का सा गाढ़ा करना है, एकदम रबड़ी की तरह नहीं तोड़ना है। और ये भी अच्छा सा रेस्ट हो गया है, इसमें सूजी अच्छी सी फूल गई है और ये ना एकदम थिक हो गया है। तो इसमें हम ना दूध डाल डाल के इसको ना अच्छा सा थोड़ा ढीला पेस्ट करेंगे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब डाला था घी, ये है बेकिंग पाउडर। तो आपको ना इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, ताकि ये ना जो रेसिपी बहुत अच्छी से बनने वाली है। तो इसको हम आज तवे पे बना रहे हैं। तो इसमें मैंने है ना घी का अच्छा सा प्रेस कर दिया है। और ये पूहे बनाते हैं, बस गोल गोल पूहे नहीं बनाने हैं, बस इसे इनको है ना चांद की तरह है, हमें इनमें तवे पे फैला के रख देना है, कैसे गोल 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 गोल, और थोड़े टेढ़े मेढ़े भी सेप आए कोई बात नहीं है, इनके ऊपर से हल्का सा घी और लगा दो। और अब इनको मैं पलट लेती हूँ, ताकि ये पलटेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं, इसीलिए इसमें ना घी लगाना बहुत ज़रूरी है। घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये फटाफट से सिक जाते हैं। आपको ना गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, और ये जितने भी यहाँ तवे पे आप इसको डाल दें और ये फटाफट से सिक के तैयार हो गए। ये देख कर आप इनको ना ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये हमने दूसरा बर्तन ले लिया है, जो आम का जो पल्प था ना वो मैंने 2 हिस्सों में बांट के रखा था। तो एक में तो हमने बैटर तैयार किया था पूहे वाला, अब दूसरे में हम क्या करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये जो हमने रबड़ी बना के रखी थी ना, बस वो इस आम के अंदर हम ऐड कर देंगे, जो आम का जो पल्प है ना, बस इसमें मैं इस रबड़ी को डाल दूंगी। वो आपको ना ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है, गर्मियों में बहुत ठंडी ठंडी मस्त लगेगी। और मैं इसको ना अच्छे से इस पल्प को ना आम के को इसमें रबड़ी के अंदर मिला दूंगी और ये अच्छा सा फैट लेंगे। ओ, ये हमारा आम इस रबड़ी के अंदर घुल गया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये अच्छा सा मिल गया है, अब आप देख पा रहे हो एकदम थिक हो गया है ना, आम का पल्प है ना इस रबड़ी के अंदर अच्छा सा मिल गया है। अब हम डालेंगे जो हमने वो बना के रखे थे ना, क्या छोटे छोटे से स्टार मैंगो के, तो बस इनके अंदर हम वो इसको अच्छे से ऐड कर देंगे, ताकि ये इनमें जाके एब्जॉर्ब कर ले इस रबड़ी को। और ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आपके मेहमान तो सच बता रही हूँ पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। और ये फ्रिज खाने से पहले इसको ना फ्रिज में रखें, और ठंडी ठंडी किसी को भी सर्व करेंगे ना तो ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस है, इसमें डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट डालो, लेकिन किसी को देते हैं ना थोड़ा सा इसके ऊपर ना ड्राई फ्रूट डाल के सजा के देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके सामने ये दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है। और ये 4-5 पीस इसके डाल दो, और कुछ रबड़ी इसके ऊपर से डाल देते तो ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने थोड़े से इसके पिस्ता से इसको सजा दिया, देखने में इसका अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।